हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालयन वूलन क्राफ्ट। तो आज आप ये देखो, मैं पहले तो आपको ये दिखाती हूँ, मैं आज आपको ये बनाना बताऊंगी, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा फोटो में कि ये कितना स्टाइलिश और कितना अच्छा लग रहा है वियर करके, ठीक है। तो फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने वूल कौन सी यूज़ कर रखी है। ये है मोटू यान, गंगा की मोटू यान आती है, ये मैंने ले रखी है इसमें। और अगर आपको परचेज़ करनी है तो वो भी मैं आपको दिलवा दूँगी, ठीक है। और इसमें जो है मेरा जो वूल लग रखा है, इसमें कितना क्वांटिटी, मेरा एक हैंक जो आता है 100 ग्राम का आता है, एक लच्छी में 100 ग्राम आया है मेरा, तो मेरे इसमें 1.5 लच्छी लग रखा है, तो करीब 150-160 के आसपास में मेरा एक ही मफलर रेडी हो गया है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है मफलर, और नेट करने में भी बहुत इजी है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको फिंगर नेटिंग जाएगा ना ये, तो फिंगर नेटिंग करने में शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप एक बार इसको ट्राई करिए ज़रूर, और काफ़ी अच्छा लुक देगा। ये पोर्शन आ गया हमारा उल्टा पोर्शन, ये पोर्शन हमारा उल्टा है, ठीक है, ऐसे करके। और साइड में मैंने लास्ट में इसमें फ्रिंजेस लगा रखे हैं, आप इसमें पॉम पॉम भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है पूरा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने मोटू का सिंगल कलर सिल्वर कलर ले रखा है, तो अभी मैं आपको एक मल्टी कलर में बनाना बता रही हूँ इसे। यह है मोटू का ही है ये भी, लेकिन मोटू का मल्टी कलर है, ठीक है। आपको कोई भी कलर चाहिए हो या फिर कोई भी मल्टी कलर्स में अगर शेड्स देखने हो तो आप, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें जाकर के आप मुझसे चैट या फिर कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्स, और अगर आपको परचेस करना होगा तो वो भी मैं आपको दिलवा दूँगी, ठीक है। इसको मैं डिसाइड कर देती हूँ, मैं यहाँ से अपना निट करना शुरू करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है ना, आप ये देखो जो आपका बॉल बनाना है, आपने सबसे पहले अच्छी का आप अपना गुल्ला बना लो और इसको ऐसे साइड कर लेना है, ठीक है। तो जो आपका साइड वाला पोर्शन है ना, जो शुरुआत का तागा है, इसको आपने पकड़ना है, और क्या करोगे ये करके एक यहाँ पर हमने नॉट लगानी है सबसे पहले, ऐसा, ठीक है। इस नॉट को आप अगर सिंपल जैसे ऐसे भी करते ना तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी करके अपने थंब में डाल लो इसको, ठीक है। तो दूसरा साइड का छोटा वाला धागा है, इसको आपने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। आप कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करेंगे तभी आप एकदम इसको अच्छे से बनाना सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे नॉट नहीं लगाना आ रहा है तो, ठीक है, वरना ये नॉट भी सिंपल है, बस आपने एक ऐसे ये तागा है ना, तो ये क्रॉस करो, ये है ना, ये क्रॉस करा, और जो छोटा वाला तागा है इसको इसके बीच से निकाल लो, ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम डाल लेंगे अपने थंब पे, ये मैंने डाल दिया थंब पे, ठीक है। अब जो छोटा वाला तागा है इसको आपने यहाँ पर से ऐसे पकड़े रखना है। अब क्या करना है आपने, अब इसमें फंदे डालने हैं। अब आप अपने थंब को मान लो सिलाइयाँ, ये दो हमारी सिलाइयाँ हैं, ठीक है। तो इन सिलाइयों से ही आपने अब अपनी बिनाई को करना है। तो सबसे पहले ये करा, अब इसके बाद अगला फंदा आप ऐसे डालोगे ये, ठीक है। दोबारा से देखिए क्या करना है, जैसे हम सिंपल तागे में फंदे डालते हैं ना, ऐसे क्रॉस कराओ ऐसे करके, ठीक है, ऐसा ऐसा बनता आएगा ये। तो ये चीज आपने 14 टाइम करनी है, ठीक है। 14 टाइम से मतलब होगा कि मैं जो है अपने अंगूठे में 14 बारी फंदे डाल रही हूँ, तो हमें इसमें 14 ही फंदे चाहिए, ठीक है। ये 14 आगे थोड़ा सा क्या है ना, फंदे शुरुआत का डालने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो इनको ना पीछे को ऐसे करके शिफ्ट करते रहिए, और बहुत ज्यादा धागे को जो है ना आपने टाइट नहीं खींचना है, ठीक है, इसको टाइट मत करिएगा, धीरे हाथ से डालना, और जिससे कि आपको पीछे को ऐसे करके शिफ्ट हो सके फंदे। तो ये मेरे 14 फंदे डल गए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया। अब दूसरा आपने क्या करना है, अब देखो, अब आपने यूज करना है अपना दूसरा अंगूठा। दूसरे अंगूठे को कैसे यूज करेंगे, अभी धागा है ना, धागे को आप अंगूठे के ऊपर रखो, और ये जो फंदा है इसके साथ ऐसे क्रॉस कराएंगे, ये क्रॉस कराया, अब इस वाले फंदे को मैं निकाल लूंगी और इस अंगूठे में चढ़ा लूंगी, ठीक है। फिर से आप देखो, फर्स्ट मेरा अंगूठा चढ़ गया, ठीक है। अब दोबारा से देखो, ये जो धागा है, धागे को आप अंगूठे के ऊपर रखेंगे और फंदे से धागे को ऐसे करके क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और यहां से लेने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, तो ऐसे मत लेना, आप यहां पर से लो, ये समझ गए आप,
ये करा, ठीक है। दोबारा से देखिए, ये धागे अंगूठे के ऊपर अपना धागा फंदे को क्रॉस कराया और यहाँ से आपने फंदे को पकड़ लेने हैं, ठीक है। बस यही चीज़ आप करिए। अब देखो 14 फंदे थे, 14 में से 3 मैंने अपने इधर उतार लिए हैं, तो ये सारे फंदे हमारे इस अंगूठे में शिफ्ट होंगे, ठीक है। दोबारा से ये है अंगूठा, अंगूठे के ऊपर रखा धागे को फंदे से क्रॉस कराया ये, और यहां से आप इसको इस अंगूठे में पकड़ लेंगे, ठीक है। मैं 2-3 बारी आपको और दिखाती हूँ, आप इसको देखो। अब आप ये देखो, वो 14 फंदे जो मेरे इस अंगूठे में थे, मैंने अब उनको इस अंगूठे में ले लिया है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा था फंदे डालना, सेकंड मैंने आपको एक निट करना बता दिया कि इस अंगूठे में कैसे करना है, ठीक है। अब ये राइट हैंड से अब हम इसको दोबारा से लेफ्ट हैंड में लेंगे, तो क्या करोगे, वही चीज करनी है। थोड़ा सा आप इसका प्रैक्टिस करिए, शुरुआत में सिर्फ अपने 2 या 4 फंदे डाल के सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिस करो। जब आपको ये थंब नेटिंग करना आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आप आसान से कर लोगे, फिर उसके बाद अपने 14 फंदा, फिर उसके बाद एक फिनिशिंग वर्क बिनना, ठीक है। पहले आप सिर्फ ट्राई करिए। अब देखो, ये करा, ये करा, ठीक है, और यहां से दिया। दोबारा से देखिए, ये धागा इसके ऊपर रखा और ये निकाल लिया, ठीक है। बस वही ये है फंदे, ये फंदे, ये धागा इसके ऊपर रखना है, फंदे को धागे से ऐसे क्रॉस कराना है और यहां से पकड़ना है अपने फंदा, यहां से मत लेना, ठीक है। यहाँ से पकड़िए अंदर की साइड से, ये करा, दोबारा से वही करिए, ये अब देखिए 2 रो सबसे मेन थी शुरुआत की, वो मैंने आपको निट करना बता दिया है, आप इसका प्रैक्टिस करो और बस फिर आप ऐसे ही मेरी तरह फटाफट से इसको ऐसे निट करिए, ठीक है। अब क्या है, लेंथ का बात आती है, लेंथ जो है आपका फुली अपने ऊपर डिपेंड है आपका पूरी तरीके से, तो उसमें आप क्या कर लीजिए, मेरा जो लेंथ है, अगर आपको सिंगल फोल्ड चाहिए या फिर आपको डबल फोल्ड, नेक में डबल फोल्ड करना है फिर वो नीचे को हैंग करना है ऐसे, वो आपके ऊपर है डिपेंड, ठीक है। तो मैंने तो जो लेंथ बना रखी है वो मेरी आई है 66 to 68 इंच, ठीक है। इंच टेप से नाप लेंगे पूरा हम उसको, लास्ट में फिर मैंने उसके फ्रिंजेस जो हैं वो अलग से ऐड कर रखे हैं, फ्रिंजेस को हटा करके 66-68 इंच आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं अब आपको इसको 66 इंच बना के लेके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। हाँ, आपने एक चीज का और ध्यान देना है कि जब आप इस नीटिंग को करेंगे ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी इसमें 6-7 लाइनें हो गई हैं, 7 से 8 लाइनें मैंने बना ली है, तो आप ये देखो ना, ऐसा कुछ आपका बनता हुआ आएगा, ठीक है। ये है रॉन्ग साइड कि आपको ये उल्टा उल्टा दिख जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका उल्टा साइड, ये आएगी आपकी सुलटी साइड। एक चीज का आपने ध्यान देना है, जब आप ये फंदे लेंगे ना, तो जो तागा लेंगे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, बहुत ज्यादा मतलब कि लूज नहीं करना है। अगर लूज कर देंगे ना, तो जो आपका बिन रहे हो ना, इसमें होल ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो होल बहुत ज्यादा बड़े नहीं आने चाहिए, इसलिए धागे को आपने खींचते हुए चलना है,
ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने ये भी ना ये धागा कराना, अभी धागे को आप मैंने ढीला नहीं छोड़ देना है, इसको भी खींचते हुए चलो इन दो उंगलियों से ना, इसको भी करते रहो। तो इस पूरे मफलर में ना आपका सारे फिंगर्स का काम है, आप ये देखो स्टेप बाय स्टेप ना। ठीक है, तो अब आप ये देखो ना, मैंने जो लेंथ आपको बता रखी थी ना 66-68 इंच, इतना मैं इसको निट करके ला गई हूँ। ठीक है, ये आपने पूरा ऐसे करके निट कर लेना है एकदम सफाई के साथ में। ये मेरा नेट हो गया है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसका लास्ट फिनिशिंग का आप कैसे करोगे। ठीक है, ये जो है ना मेरा लेंथ हो चुकी है, तो अब मैंने इसके फंदे घटाने हैं। फंदे कैसे घटाने हैं ना, आप ये देखो इस हाथ में मेरा खत्म हो रखा है, ठीक है, राइट हैंड में खत्म हो रखा है। तो अब क्या करेंगे ना, आपने वही जो मैंने बिनने का प्रोसेस आपको बताया था ना, उसी चीज को करना है। अंगूठे के ऊपर रखो धागे को और इन दो फंदों को एक साथ, पहले मैं सिंगल फंदा ले रहे थे हम, अब हम लेंगे दो फंदों को एक साथ और ये निकाल दिया, समझ गए आप। फिर से आप वही करो, फंदे अपने थोड़ा पीछे को शिफ्ट कर लो, धागे को रखा अंगूठे के ऊपर और दो फंदे, सिंगल नहीं लेना है वरना फंदे नहीं घटेंगे, दो फंदे। ठीक है, अब हमने इस हाथ में नहीं उतारना है, पहले मैं इस हाथ में उतारी थी ना, इस हाथ में नहीं उतारना है हमने। दोबारा से आप ये देखो, दो का एक, फिर से दो का एक, बस इस चीज को आप पूरा कर लो। जैसे कि हम फंदा बिनते थे, धागे को क्रॉस करा के फंदा बिनते थे, तो इस हाथ में ले लेते थे ना, तो इस हाथ में ना लेके आपको यहीं पर को इसको दो का एक कर देना है ऐसे, ये ऐसे करके। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पर को हम इसको कट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, नॉर्मली रखिए धागे को नॉर्मली, और यहाँ पर इसको नॉट लगा देना है। कभी भी क्या है, इसको आप सीधे मत खींच देना, अगर खींच दोगे ना तो सारा उधर जाएगा। जब आपके पास ऐसा लास्ट का एक फंदा बचता है, तो इसके अंदर इस धागे को आप क्रॉस कर लो, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसमें फ्रिंजेस लगा रही हूँ, आप पॉम्पॉम भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसमें फ्रिंजेस लगा रही हूँ, आपको फ्रिंजेस बता देती हूँ हमने कैसे करके लगाने हैं। एक दो, हम इसमें पांच फ्रिंजेस लगा लेते हैं, तीन ऐसे करके बराबर में और एक एक उनके बीच में। फ्रिंजेस के लिए क्या करेंगे, ये पकड़िए अपना हाथ, हाथ में धागा इतना रखिए, छह बारी मैंने रिपीट कर लिया है, धागे को आप यहाँ पर काटो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे किनारे में अपनी क्रोशिया लो, आप क्रोशिया की मदद से करिए, क्रोशिया लेंगे और दो धागे आप ऐसे पकड़ो और इसको इसके अंदर लेके इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। और ये हमारा एक फ्रिंजेस ऐसे करके लग गया है, ठीक है। एक इस कोने में लगाए तो एक आप इस कोने में लगाओ, फिर एक बीच में लगाओ और एक एक इधर, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप तीन भी लगा सकते हो, पांच भी कर सकते हो, मैं इसमें पांच कर देती हूँ। दोबारा से देख लो आप, ये दो धागे पकड़ेंगे क्रोशिया से और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको छोड़ के जो इधर का है इसमें डालो, क्रोशिया के साथ में इसको बाहर निकाल लो और ये है ना इसके अंदर डाल के ऐसे और खींच लो आप इसको पूरा ताकत से, ये दो हो गए। ऐसे करके मैं पांचों बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसको दिखाती हूँ आगे का। तो ये मेरा हो गया है रेडी, ठीक है।
मैंने अपने दोनों साइड फ्रिंजेस लगा दिए हैं। बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कलर भी इतना सॉफ्ट सा, मतलब देख के ही ऐसा लग रहा है कि बस इसको वियर ही कर लूँ। बहुत ही अच्छे एकदम, बहुत ही प्यारे कलर इसमें दिए हुए हैं और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसमें। जो मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन दे रखा ना, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर इसी कलर में वूल चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूँगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप वूल भी मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।